आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कल से एयरटेल ने 5G की सर्विस जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च की। इससे पहले अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में 1 अक्टूबर को जो है 5G की सर्विस लॉन्च हुई थी, और ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है इस 5G की सर्विस को लेकर, कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ेंगे, आइए लोगों की राय लेते हैं। सर, 5G की सर्विस जो है जम्मू कश्मीर के कुछ कुछ स्थानों पर जो है लॉन्च होगी, आप किस तरह से देखते हैं, कितना फ़ायदे या नुकसान होगा? देखिए, टेक्नोलॉजी का हमेशा फ़ायदा ही होता है, इनफैक्ट कुछ नुकसान भी होता है। जैसे कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जहाँ तक ये टेक्नोलॉजी का इशू है तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी उतना लोगों के लिए, हर क्षेत्र में काम करने वाले, हर फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए बेहतरी ही होगी। 5G सर्विसेज जो हैं ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड तो लॉन्च हुई हैं, अब J&K में जो लॉन्च हो रही हैं इंडिया के साथ, इनफैक्ट मेट्रोज़ में तो हो गई हैं काफ़ी देर से, और स्पीड ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स ही टाइमिंग आ रहे हैं, क्योंकि BSNL का अभी 5G सुनने में नहीं आया है, कुछ प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च करने की बात कही है, कल ही उनका जो है मैंने पढ़ रहा था खबर की उन्होंने लॉन्च करने का किया है, अनाउंस किया है अपना। कितना इफेक्टिव एयरटेल यूजर्स हैं उनको कितना फ़ायदा आपको लगता होगा, और कितनी ईजी चीज़ें जो होंगी? देखिए, आप किसी कंपनी को लेकर करिए, ये इनफैक्ट चीज़ है कि सर्विस कैसी प्रोवाइड करते हैं जी, आपको स्पीड कितनी देते हैं, क्या वो स्पीड जो है जितने उनके प्लान्स हैं आपकी पॉकेट में अलो करते हैं या नहीं करते हैं। इनिशियली आपको याद होगा जब आया करता था तो 1.5 GB डाटा मिला करता था जी, एक प्राइवेट कंपनी के आने से पहले, तो उसके लिए कितना चार्ज करना पड़ता था, और हम लोग कैसे इसको यूज़ करते थे संभाल के, जैसा कि कोई हम कोई गोल्ड ऑर्नामेंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब एक प्राइवेट कंपनी आई, उसने बिल्कुल खुले दिल से पर डे 1.5 GB देना शुरू किया, अब हर कोई जो है मोबाइल पर एक्टिव है। तो ऑब्वियसली एक तो ये वाइबल कितना है, इसके चार्जेस क्या रहेंगे, स्पीड कितनी देते हैं, और इनकी सर्विस जो है वो कैसी रहेगी। सर्विस से मेरा मायने है कि जो इनका कंप्लेंट का जो सिस्टम रहेगा, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो कैसा रहेगा, वो बहुत मैटर करेगा। जी सर, 5G की सर्विस जो लॉन्च हुई है जम्मू कश्मीर में और कई सारी जगहों पर चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, बहुत अच्छा है कि जम्मू कश्मीर में भी 5G की सेवा जो है वो लॉन्च हो चुकी है। हालांकि अनुमानित नहीं था कि इतने जल्दी जम्मू कश्मीर में, जो कि एक हाईली सेंसिटिव स्टेट है और जहाँ पर जो मोबाइल इंटरनेट है वो पहले से ही आपको स्लो मिलता है और बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो ऐसी स्टेट में आपको 5G की सेवा मिलेगी। लेकिन कल से इसकी शुरुआत हुई, बड़ा अच्छा लगा, और हाई स्पीड इंटरनेट है, काम बहुत हो रहे हैं, और वो चीज़ें जो आपके प्रोफेशन से जुड़ी हैं, आपकी वीडियो शेयरिंग है, आपके लाइव स्ट्रीमिंग है, तो बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि जो डेटा कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऐसे में जो हमारा नॉर्मल पैक जो कि हमारे पास पूरा दिन निकालता था, तो वो मुझे लगता है कि 2 घंटे से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये एक इसमें एक्सपेक्ट रहेगा कि क्या जो डेटा है वो चीपर होगा या नहीं होगा। अगर डेटा महंगा होता है तो जिस हिसाब से कंज्यूम हो रहा है, मुझे लगता है ये हमारी बजट से बाहर हो जाएगा। 5G का फायदा किन किन लोगों को आपको लगता है कि ज़्यादा हो? देखिए, 5G की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे हेल्थ सेक्टर को होने वाला है, क्योंकि आजकल जो CMEs हैं यानी कि कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन है, हमारे डॉक्टर्स फॉरन में बैठकर जो है वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, तो ये सारा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन ही होता है। तो ऐसे में अगर 5G की सेवा होगी और वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत हाई क्वालिटी की होगी, बहुत बेहतरीन होगी, तो हेल्थ सेक्टर मैं कहूँगा कि बहुत ग्रो करेगा, बहुत सी नई चीज़ें ऐडअप होंगी। उसके अलावा आपके जो आजकल सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग करते हैं उन्हें हाई क्वालिटी मिलेगी। मीडिया सेक्टर की बात करें तो डिजिटल मीडिया में आज एक बूम है, लेकिन नेट की स्पीड ना होने की वजह से आपकी वीडियो क्लैरिटीज आप में बहुत से आपने चीज़ें देखी हैं, तो तमाम मैं ये कहूँगा कि कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहेगा। आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी आपका ये जो इंटरनेट 5G सेवा शुरू हुई है ये भी बहुत बड़ा बूम देने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ पर 29 नई परियोजनाएं एग्रीकल्चर में आई हैं, तो उनको चलाने के लिए आप देखिए आज ई गवर्नेंस का ज़माना है, तो ई गवर्नेंस में सबसे अगर कोई अहम चीज़ है तो आपके पास इंटरनेट है, और अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट ही नहीं है तो आपकी ई गवर्नेंस फेल है। तो अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट 5G आ चुका है तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, हेल्थ, एग्रीकल्चर और तमाम एस्पेक्ट में मैं कहूँगा ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि ये बजट में होना चाहिए ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। देखिए, जिस तरह टेक्नोलॉजी के बीच में एनहांसमेंट हो रही है और इसी बीच जो 5G की सर्विसेज एयरटेल ने स्टार्ट की हैं, एक बड़ा ही जिसे हम कहेंगे कि अच्छा इनिशिएटिव है, और क्योंकि
इंडिया के बीच में जिस तरह एक हमने देखा कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है, इस तरह की जब सर्विसेज एक्टिव हुई हैं उससे ये देखने को मिल रहा है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आजकल बड़ा इजी काम होना शुरू हो गया है। स्मार्टफोन हर एक के पास है और स्मार्टली हर कोई वर्क इसके ऊपर करना चाहता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की जो फास्ट इंटरनेट की सर्विसेज आपके फ़ोन में ही मुहैया जब हो जाएंगी तो इससे मुझे लगता है कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज ज़रूर आएगा। साथ ही साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव यूज़ होता है और एक नेगेटिव यूज़ होता है। एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट तो हो रही है और जो लोग हैं वो पूरी तरह से इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट भी हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा ज़्यादा इसमें डिपेंडेंट लोग होना शुरू हो जाएं जिससे उनको सर्वाइकल की पेन हो जाए और बड़ा ज़्यादा अगर टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना शुरू कर देंगे तो नेचुरली जो ग्रोनअप बच्चे हैं उनके ब्रेन पर भी बड़ा ज़्यादा असर पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें इसके बीच में हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट के बीच में होनी चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से 5G की सर्विस लॉन्च हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, पहली अक्टूबर को थी और कल से जिस तरह से हुई है, कितना फायदा आप मानते हैं इसे? इससे हर सेक्टर में तो होगा ही होगा, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे ब्लॉगिंग की बात करें, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, तो वहां पे फायदा तो होगा। लेकिन इन कंपनीज को एक चीज जरूर सोचनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारी जो है टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ पे स्टेट जो मानी जाती है, टूरिस्ट के हिसाब से मानी जाती है, क्योंकि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन जिनके पास प्रीपेड सिम होती है, लखनपुर क्रॉस करते हैं वो सिम बंद हो जाती है। पहले कंपनीज़ को उस बारे में सोचना होगा कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, प्रीपेड लेकर आ रहा है, तो उसकी सिम लखनपुर क्रॉस करते भी चलनी चाहिए। हमें जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, पंजाब की तरफ पहुँचते हैं, तो हमारी सिमें बंद हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास भी प्रीपेड सिमें हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि अब हम पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ गए हैं, या इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में आ गए, कि हमारी सिमें बंद होगी। कंपनीज़ को पहले ये सोचना चाहिए। हालांकि 5G चलने से कई लोगों को फ़ायदा, लेकिन नेट पैक जो है अब वो भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जो कंपनीज़ है किस तरीके का नेट पैक अफोर्ड कर सकता है आदमी या नहीं कर सकता है। क्योंकि कल हमने जब अपने फ्रेंड्स के जो 5G जिनका चल रहा था, तो 10 मिनट में उनका 2GB जो डाटा था वो कंज्यूम हो गया। तो दैट्स मीन कि 5G आने से महंगाई भी बढ़ेगी, महंगा होगा नेट पैक, और सबसे बड़ी बात जो मेन मैं एक ही बात बोलूँगा कि टूरिस्ट के हिसाब से अगर लखनपुर से क्रॉस करते प्रीपेड सिमें भी चलना शुरू हो जाए तो आम जनता को, पूरे भारतवर्ष की जनता को इसका फायदा मिलेगा। सर, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से देखते हो 5G की सर्विस जो लॉन्च हुई है कल से जम्मू कश्मीर? पूजा, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद, आपने मौका दिया। जहाँ तक 5G की सर्विस की बात है, अगर ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है खासकर जम्मू कश्मीर को लेके, जिसके लिए हमने इतनी जल्दी सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भी इतनी जल्दी ये सेवाएं ट्रायल बेस पे आ सकती हैं, तो एक अच्छा कदम है। लेकिन इन सब में दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये सर्विस आई है, इसमें बड़े से सेक्टर में फ़ायदा हो सकता है, एजुकेशन में फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह अब हम सुन रहे हैं कि चाइना में कि नाम कोविड के केसेस बढ़े हैं, अगर भगवान ना करे अगर इंडिया में कोई इस तरह की पैनिक की स्थिति आती है, तो इंडिया में ज़्यादा सर्विस आपको फिर से ऑनलाइन पे जाना, मोड पे जाना पड़ता है। इसमें एजुकेशन में बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि बच्चे जो 4G पे काम कर रहे थे अब वो 5G पे काम करेंगे, तो उनको काफ़ी मदद मिल सकती है। 5G की सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, कल से जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों में 5G की सर्विस जो है लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और जियो के मुकाबले में बात की जाए तो 30-40% और तेज़ी से हम इंटरनेट की सेवाएँ जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5G की सर्विस तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन ये हम लोगों के बजट के अकॉर्डिंगली होगा या नहीं होगा, ये जानने का जरूर विषय रहेगा। लेकिन आप लोगों की इस पे क्या कुछ राय और 5G की सर्विस से आप कितने खुश हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो का फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।